नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि की तरफ से आने वाले कपर्तक भस्म के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो कपर्तक भस्म होता है, मेरे पास तो ये पतंजलि का है, दूसरी कई सारी कंपनियां इसको बनाती है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपनी से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। कपर्तक भस्म जिसको कौड़ी भी कहा जाता है, तो ये कौड़ी से बनाया गया भस्म होता है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने की विधि थोड़ी सी कठिन है, तो आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। कौड़ियां तीन प्रकार की होती है, एक होती है सफेद, दूसरी होती है हल्की पीली, और एक होती है थोड़ी लाल कलर की। तो ये जो औषधीय गुणों से युक्त जो कौड़ी होती है ना, वो होती है पीली कौड़ी। तो ये पीली कौड़ी को प्रोसेस करके उसका भस्म बनाया जाता है, जिसको कपर्तक भस्म कहते हैं। यह तासीर में गर्म होता है, यह कपनाशक भी होता है, यह दीपन और ये पाचक होता है। अगर हम इसके लाभ की बात करें, उदर रोगों में बहुत ही इफेक्टिव है। संग्रही, पेट का फूलना, अपारा, गैस बहुत ज्यादा बनना, भूख न लगना, खाया हुआ ठीक से ना पचना, खट्टी डकारे आना, आईबीएस की समस्या हो, तो सभी प्रकार के पेट रोगों में यह जो भस्म है वह बहुत ही उपयोगी माना गया है। कई बार खाना ठीक से पचता नहीं है, किसी किसी के पेट में थोड़े से आव या घाव भी हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी ये जो भस्म है ये काफी उपयोगी माना जाता है। तो उदर रोगों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा जिनके कान बहते हैं, कान से पस आता है, उसमें भी इस भस्म को यूज किया जाता है। कान से अगर पस आ रहा हो, उस कंडीशन में इस भस्म को थोड़ा सा पाउडर निकालकर कान में डालना है और नींबू के रस के एक दो बूंदे डालनी है। इस प्रकार से दो तीन चार दिन आप प्रयोग करते हैं तो कान के से जो पस आती है वह भी ठीक हो जाती है। इस भस्म का अगर हम खोल के देखते हैं, तो ये पतंजलि की तरफ से आने वाला जो भस्म है, इसको अगर मैं निकाल देता हूं, तो ये सफेद कलर का, भले आपने पीली कौड़ी का निकालते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सफेद कलर का जो है ये भस्म इसके अंदर मिल जाता है। तो इस भस्म को सेवन करने की विधि के अगर हम जानेंगे, तो ये जो मेरे पास जो ये पाउच आया है ना पतंजलि की तरफ से, 5 ग्राम का पाउच है और इसकी प्राइस है 25 रुपये, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके आप इसका जो एक्सपायरी है ना, वो काफी लंबी होती है, काफी लंबे समय तक आप ये चल जाता है, ये खराब नहीं होता। अगर आप घर पे बनाते हैं और आपको स्टोर करके रखना है, तो आप कांच की बोतल में रखिए। अभी ये पैसा बचाने के चक्कर में तो इन्होंने प्लास्टिक के पाउच में ही डाल दिया है, चलिए, लेकिन आप कांच की बोतल में इसको रखेंगे तो ये जल्दी खराब नहीं होता। इसको यूज करने का जो तरीका है, इसकी जो मात्रा है 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम, तो इस मात्रा में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो एक चने के आकार के साइज का आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इस भस्म को आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये भस्म आपके जीभ को हानि पहुंचाएगा। इसलिए इसको जो लेने का तरीका है, वैसे तो इसको लेने का तरीका हर एक कंडीशन में अलग अलग होता है, रोग रोगी उसकी प्रकृति सारी चीजों को देख के इसके लेने की जो मात्रा है और तरीका है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल तरीके से अगर आपको लेना है तो इसको शहद के साथ, इसको घी के साथ, दही के साथ, मक्खन के साथ, कोई कोई इसको पानी के साथ मिलाकर भी लेते हैं, लेकिन अलग अलग बीमारियों में अलग अलग दूसरी औषधियों के साथ भी इसको लिया जाता है। जैसे इसको लिया जाता है त्रिफला पाउडर के साथ, मुलेठी के साथ, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या क्या है। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको उदर रोगों में ले रहे हो, तो आप इसको ले सकते हैं घी के साथ या शहद के साथ। ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है, ये 250 मिलीग्राम ही काफी होता है। बहुत विशेष कंडीशन में
इसको इसकी जो मात्रा है वे चिकित्सक अपने तरीके से इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन 500 मिलीग्राम के ऊपर इसको कभी भी नहीं लेना चाहिए, 250 मिलीग्राम ही ये काफी होता है। तो दोस्तों अगर इसके हम नुकसान की बात करें, तो अगर आपको कोई भी ऐसे गंभीर समस्या है या गर्भवती महिला है, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है, तो बिना चिकित्सक की सलाह आप इसको मत लीजिए। तो दोस्तों यदि कुछ जानकारी पतंजलि की तरफ से आने वाले कदर पक भस्म के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।